हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई देती है गाइस कि वो अभी सैड हैं। सैड आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ना आपके साथ पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी दिया था, अगर नहीं भी दिया तो बहुत सारे प्रॉमिसेस आपसे किए थे कि आगे जाके हम रिश्ते में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। प्रॉमिस भी आपके साथ किए होंगे लेकिन उन्हें निभाया नहीं है। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता खुद ही तोड़ा है, उनकी कोई ना कोई गलती की वजह से या फिर जानबूझकर उन्होंने आपसे दूरी बनाई। इस रिश्ते को ख़राब करने में आपके पर्सन का ही हाथ है, ऐसा दिखाई देता है। आपकी तरफ से तो कोई गलती दिखाई नहीं देती, आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई गलती हुई है। और यहाँ पर कुछ रिश्ते में ये भी हुआ गाइस कि कोई थर्ड पार्टी आ गई आप दोनों के बीच आपकी पर्सन की तरफ से, और जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है ऐसा दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिंगल भी थे वो, लेकिन फिर भी कि कोई ना कोई रीज़न रहा है, कोई सिचुएशन रही है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना लेना ही ठीक समझा और ख़ुद ही आपका साथ छोड़कर वो गए हैं। और अभी गाइस आपके पर्सन उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो लम्हे आपके साथ बिताए उन्हें याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। अब अगर रिश्ते में आपके कोई थर्ड पार्टी आई है गाइस, आपके पर्सन की तरफ से ही आई है ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच तो यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो इन सब में से वो हो सकते हैं। और स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई फीमेल फिगर है जो आप दोनों के बीच आई है, या तो आपके पर्सन की वो माँ भी हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, या फिर उनकी वाइफ हो सकती है। कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े तो ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, तो यहाँ पर फीमेल फिगर स्ट्रांगली दिखाई देता है गाइस कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी फीमेल फिगर हो सकती है। और सबके लिए ऐसा नहीं है, तो कुछ के रिश्ते में कोई मेल भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है तो उससे भी वो निकलना चाहते हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत टाइम से चला आ रहा है आप दोनों के बीच, तो इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है कि आपके साथ वो रीयूनाइट होना चाहते हैं, और सबसे पहले तो वो बातचीत आपसे शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आपसे कोई बातचीत उनकी हो नहीं रही, तो इस वजह से भी वो परेशान हैं। उनको लगता है कि आपसे बातचीत शुरू करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बिना बात किए तो वो रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले आपसे कांटेक्ट किया जाए, बाद में कुछ भी मतलब रिश्ते में आगे कुछ भी किया जाए लेकिन पहले तो कांटेक्ट हो जाए। अभी तो पहली बात यही है कि नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है, तो वो बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। यहाँ पास्ट की बात करूँगा इस, तो आपके पर्सन जब आपके साथ थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, ऐसा दिखाई देता है। कोई तकलीफ नहीं थी उन्हें, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को भी ये लगता है कि जब वो आपके साथ थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उनका जो भी था करियर था, उनकी फैमिली लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपसे भी उन्हें प्यार मिल रहा था, आप उन्हें समझ रहे थे, लेकिन जब से वो आपसे अलग हुए हैं तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं है, ये ऐसा दिखाई भी देता है। और आपके पर्सन को भी यही लगता है कि आपसे अलग होने के बाद ही मतलब उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई हैं, उनके करियर में परेशानियां आई हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। प्यार मिलना तो दूर की बात है, उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, ये भी आपके पर्सन को लगता है कि आप थे उन्हें समझते थे, लेकिन आपसे अलग हुए हैं तब से प्यार वो नहीं मिला उन्हें जो आप देते थे। वो तो यही सोचते थे कि सब कुछ ठीक चलने वाला है आपके साथ, वो हों या ना हों, लेकिन ऐसा उनके साथ कुछ हुआ नहीं। उनके साथ परेशानियाँ भी आई हैं और उन्हें दर्द भी मिला है, जहाँ भी वो गए हैं आपको छोड़कर वहाँ पर भी उन्हें परेशानियाँ मिली हैं। तो आपसे अलग होकर वो खुश रह लेते ये तो उन्होंने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके पर्सन दर्द में यहाँ पर दिखाई देते हैं और उन्हें भी यही लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक एंजल की तरह आए थे, तब उन्होंने आपको समझा नहीं, आपको अपने से दूर कर दिया और आपसे वो अलग होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच लिए थे, लेकिन क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला, कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हुआ,
सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है, परेशानियाँ मिली हैं। तो ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि आपका साथ उनके लिए कितना ज़रूरी है। आपके साथ रहेंगे तो उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये आपके पर्सन को लगता है, और इसी वजह से वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। रिश्ते में थर्ड पार्टी है गाइस, ये क्या करती है कि आपके पर्सन के माइंड को डाइवर्ट करने में लगी है। वो नहीं चाहती उनका ध्यान आपकी तरफ जाए, तो इसके वजह से ये आपके जो पर्सन हैं ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते। ये चाहती है कि आपके पर्सन उनकी जिम्मेदारियों को उठाएं, सारा ध्यान उनकी तरफ दें। वो नहीं चाहती उनसे अलग होना या आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, आपके पर्सन को किसी के और के साथ वो बर्दाश्त नहीं करना चाहती। और अगर वो आपको जानती है तो आपकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो आपकी तरफ बढ़ें। थर्ड पार्टी की चालाकियाँ ऐसी हैं गाइस, जो आपके पर्सन का सारा ध्यान अपने ऊपर रखना चाहती है। वो चाहती है उतनी सारी जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन उठाएँ, सब कुछ उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान उन्हीं पर हो, उनका ध्यान और कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसी कोशिश थर्ड पार्टी की रहती है, कभी प्यार से कभी झगड़े से किसी भी तरह वो उनके ध्यान को अपनी तरफ रखना चाहती है। बस वो ये नहीं चाहती कि उनकी लाइफ में कोई और आए या वो आपकी तरफ ही बढ़ जाएं, बिल्कुल नहीं चाहती थर्ड पार्टी, क्योंकि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसी एनर्जी उस थर्ड पार्टी की है, और इसकी वजह से आपके पर्सन मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई देती है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में वो उन्हें रख रही है, वो उन्हें आज़ादी नहीं देती, अपने हिसाब से चला रही है, अपनी मनमर्जी से सब कुछ करवा रही है। तो इससे आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से खुश हैं ये तो दिखाई नहीं देता, वो भी उसकी वजह से परेशान है और उसी की वजह से आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे। ऐसी एनर्जी भी है आपके पर्सन की कि वो थर्ड पार्टी की दबाव के वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल में रख रही है। और आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो उनके साथ रहते हुए आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी तमाशा करेगी, ये भी आपके पर्सन को डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है गाइस आपके रिश्ते में। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि लड़ाई झगड़े ये नहीं चाहते आपके पर्सन चाहते हैं शांति, आपके पर्सन चाहते हैं प्यार, और उन्हें पता है ये सब आपके साथ मिलने वाला है। लेकिन इस थर्ड पार्टी को छोड़कर किस तरह आपकी तरफ बढ़ें ये आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। खुद ही गए हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन परेशान भी वो उन्हीं से हैं। अपने कंट्रोल में उन्हें रख रही है, उन्हें उनका ध्यान अपनी तरफ रखना चाहती है, जबकि आपके पर्सन का ध्यान उनकी तरफ है ही नहीं। ये भी यहाँ दिखाई देता है, ठीक है आपके पर्सन उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो भी मजबूरी में, क्योंकि उनको करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और लड़ाई झगड़े किसी बात को लेकर उनके हुए भी हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। तो आपके पर्सन जो कुछ भी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं गाइस, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन उनके साथ वो खुशी से कुछ नहीं कर रहे, खुशी से उनके साथ नहीं रह रहे, उनके यहाँ दोनों के बीच प्यार दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ डर है, मजबूरी है, ऐसा ही दिखाई देता है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे दर्द में दिखाई देते हैं। डर तो वो उनसे रहे ही हैं, थर्ड पार्टी से डरते तो वो हैं ही, लेकिन वहाँ पर ना दर्द में भी आपके पर्सन दिखाई देते हैं, खुश दिखाई नहीं देते। और यहाँ ये भी दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो हो सकता है आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन फिर भी किसी न किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो यहाँ पर उनकी भी यही एनर्जी है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी से अब वो निकलना चाहते हैं। अब आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि जो पास्ट में उन्होंने किया आपके साथ, आपको हर्ट किया है, चीट किया है, तो उनकी ये गलती थी और इसी की वजह से उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, जो दर्द उन्होंने आपको दिया वही दर्द उन्हें थर्ड पार्टी से मिल रहा है। तो अब आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या जहाँ भी वो स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में, वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, और उससे पहले आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। इस एनर्जी में अभी आपके पर्सन दिखाई देते हैं। और पास्ट में कुछ बातें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, ऐसा भी दिखाई देता है, तो आपको अब वो सारी बातें बताना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया था, क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आपको छोड़ दिया था। तो ये सारी बातें भी अब आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी आपके पर्सन की है। तो आपको गाइस किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।